लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह अकबर। इसी जमीन के ऊपर एक मालदार था जिसका नाम कारून था। ये जनाब मूसा अलैहि सलाम के सगे चचा का बेटा था, हजरत मूसा अलैहि सलाम का चचाजाद भाई था। ये इतना अखलाक मंद इंसान था कि इसके अखलाक के चर्चे बनी इसराइल के अंदर बहुत बजा करते थे, इसके डंके बजते थे बनी इसराइल में। ये तौरात का बहुत बड़ा आलिम था। हजरत मूसा अलैहि सलाम जब भी तौरात को सुनना चाहते तो कारून से कहते, ओ कारून जरा तू तौरात पढ़। अल्लाह का नबी तौरात कारून से पढ़ा करके सुना करते थे। कारून को कहते थे तुझे तौरात पढ़ना है। वो अखलाकमंद भी था, वो आलिम भी था, वो तौरात का बेहतरीन कारी भी था। उसकी आवाज में बला का जादू था। आप गौर फरमाएं, जब जनाब मूसा जैसा पैगंबर तौरात अल्लाह की किताब कारून से सुनना पसंद करते हो तो हाल क्या होगा उसका। लेकिन जब अल्लाह ने उसको मालो दौलत से नवाजा तो कारून की तबीयत बदलना शुरू हुई, हजरत मूसा अलैहि सलाम से दूर होना शुरू हुआ। और फिर एक वक्त वो आया कि जब उसके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दौलत की इतनी फरावानी अता की, कुरान कहता है कि अल्लाह ने उसको इतनी दौलत दी थी कि उसकी तिजोरी की चाबियां एक बहुत बड़ी जमात इंसानों की उठाया करती थी। और मुफस्सरीन फरमाते थे कारून के खजाने की चाबियां 70 ऊंट पर लाद करके लाई और ले जाई जाती थी। जरा गौर करें, चाबियों का ये आलम है तो तिजोरियों का आलम क्या होगा, और तिजोरियां इतनी ज्यादा थी तो माल का आलम क्या होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस वक्त ज़कात के अहकाम नाजिल फरमाए और कारून को भी ये बात पहुंची, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि ज़कात तुम पर फर्ज है, उस वक्त लोगों ने, जो खुशनसीब लोग थे, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर सरे तस्लीम खम कर लेते हैं। कारून ने कहा ठीक है, मैं भी अपनी दौलत में से 1000वां हिस्सा जो है वो ज़कात के तौर पर अदा कर दूंगा। लेकिन जब ये बात सामने आई, कारून हिसाब करने के लिए घर पहुंचा और जब उसने हिसाब किया, हिसाब करने के बाद जब उसकी आंखें फट गई, इतनी बड़ी दौलत मुझे अल्लाह की राह में खर्च करनी होगी। उसने एक हीला निकाला कि किसी तरह से ज़कात देने से बचा जाए, और उसका तरीका ये होगा कि हजरत मूसा के किरदार को डैमेज किया जाए, हजरत मूसा पर एतराज़ात किए जाए। उसने क्या किया, रातों रात जाकर के एक औरत को पैसे पर फुसलाया और कहा जब मूसा अपनी कौम में खिताब करेंगे तो उस वक्त तुझे हजरत मूसा पर जिना का इल्जाम लगाना होगा। औरत को पैसे मिल गए, औरत इसके लिए तैयार हो गई। और उसके बाद जब सुबह हुई, जनाब मूसा कौम में तशरीफ लाए। कौम में तशरीफ लाने के बाद आपने इरशाद फरमाया, लोगो अल्लाह से डरो। और जब आपने कौम के दरमियान वास फरमाया, कारून खड़े होकर के सवाल करता है, ए अल्लाह के नबी एक सवाल का जवाब दे। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने पूछा क्या है, कहा अगर कोई जिना करे उसकी सजा क्या है। जनाब मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया अगर गैर शादीशुदा है तो उसको कोड़े लगाए जाएं, और अगर शादीशुदा है तो उसको संसार किया जाए। उस वक्त उसने पूछा ये सजा अवाम के लिए है या आपके लिए भी है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, पर जो गुना करेगा उसको यही सजा मिलेगी। हालांकि नबी मासूम होता है, नबी गुना नहीं कर सकता, तसव्वुरे गुना भी नबी के करीब से गुजर करके नहीं जा सकता। लेकिन उसने चूंकि सवाल किया था, अल्लाह के नबी के जवाब देने का अंदाज ये था, उसने उस औरत को इशारा किया, ये क्या कहती है। औरत खड़ी हुई, उसने कहा कि देखो ये औरत के साथ आपने जिना किया है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा अस्तग़फिरुल्लाह, ये क्या बात करते हो। उस वक्त उसने कहा मूसा ये औरत कहने के लिए तैयार है। हजरत मूसा ने कहा ए औरत ये बता, उस अल्लाह की कसम खाकर बता जिसने तुम्हारी नजरों के सामने फिरौन को गर्क किया, जिसने तौरात को मुझ पे नाज़िल किया, उस रब की कसम खा करके बता, उस अल्लाह की कसम खा करके बता, उस रब की कसम जिसने तूर को तुम पर ऊंचा किया और उससे निजात अता फरमाई, उस रब की कसम खा के
बता जिसने दरिया में तुम्हारे लिए रास्ते पैदा किए। जनाबे मूसा का रोब का आलम यह था, जब आप जलाल में आते तो आपके कपड़ों के अंदर से आपके बाल बाहर निकलते और आपके अमामे से शोले उठते हुए नजर आते। नबियों में सबसे जलाली पैगंबर जनाबे मूसा अलैहि सलाम थे, लेकिन कौम ऐसी थी कि हजरत मूसा पर इतना बदतरीन इल्जाम सिर्फ दौलत की वजह से लगाया। जनाबे मूसा अलैहि सलाम के जलाल को और पैगंबराना मासूमियत के तकद्दुस को देखकर वो औरत पानी पानी हो गई, नजरें झुक गई और उसके बाद उसने कहा, ए अल्लाह के नबी आप पाक दामन हैं, कारून ने मुझे दौलत के लालच में इल्जाम लगाने के लिए तैयार किया। जनाबे मूसा फौरन सजदे में चले गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इल्जाम से बरी कर दिया। और उसके बाद अर्ज की, मौला जो मुझ पर जिना का इल्जाम लगाएंगे फिर भी वो कौम रहेगी? अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम खुद तजवीज करो इसकी सजा क्या है, नबी तजवीज करेगा इसकी सजा क्या है। हजरत मूसा ने फरमाया इसे जमीन में धसा दिया जाए। फिर हजरत मूसा ने ऐलान किया, जो कारून के साथ है वो उठ करके चला जाए, जो मेरे साथ है वो मेरी तरफ आ जाए। दो बदनसीबों के अलावा सब हजरत मूसा के साथ रहे। हजरत मूसा ने कहा, ए जमीन इसको धसा अपने अंदर। जब वो कमर तक धसा तो रोने लगा, रिश्तेदारी की दुहाई देने लगा। जो दो लोग खड़े थे वो कहने लगे, अच्छा मूसा कारून की दौलत को अपने कब्जे में करने का बहुत अच्छा बहाना आपने तलाश किया कि आप इसको जमीन में धसा कर आप इसकी दौलत पे कब्जा करेंगे। हजरत मूसा ने अर्ज की, अल्लाह कारून की दौलत को इसके सर पे डाल दे और ये दौलत समेत धस जाए। जिस वक्त मेरे आका अलैहि सलाम फरमा रहे थे, हुजूर ने फरमाया आज तक कारून धस रहा है। चूंकि आका ने फरमाया आज तक धस रहा है तो हम आज कहते हैं हमारा ईमान है आज तक वो धस रहा है और कयामत तक वो धसता रहेगा। मुझे बताओ किसी कौम की तबाही में जराइम का कितना बड़ा रोल होता है। जब तक के कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करती, अल्लाह उस कौम को हलाकत की तरफ नहीं डालता।